अभी हम धौर गांव में खड़े हैं, यहाँ की सरदारी है, तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इनसे जानना चाहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है भरतपुर में, कौन सी पार्टी है जो जीत कर जाएगी यहाँ से? भैया बीजेपी है, कांग्रेस का नहीं, क्यों, क्या कारण है? अरे भैया अब तक तो छूट करी ना, छूट कर कर इनका कहना है कि किसानों का लोन माफ नहीं किया कांग्रेस ने, तो अब की बार कांग्रेस को वोट नहीं करोगे? अरे ना भैया मोदी है हमारे, इनका कहना है कि बीजेपी को वोट करेंगे। और अंकल जी हैं, इनसे भी पूछना चाहते हैं, अभी चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी है जो जीत कर जाएगी भरतपुर से? बीजेपी जाएगी जीत के, कांग्रेस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्यों? बहाने क्रेडिट कार्ड ने माफ करूंगा 10 दिन में और आत्मा ना करे माफ बहन। इनका कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड माफ नहीं हुआ है, अब की बार फिर से राजस्थान सरकार को ये सबक सिखाने वाले हैं, मोदी जी की लहर है, बाबूजी चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी है जो जीतेगी? बीजेपी। कांग्रेस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, इनका कहना है कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। और भी तमाम लोग बाग है, सभी से बारी बारी से इंटरव्यू लेते हैं हम लोग। अभी कौन सी सरकार बनी? मोदी। कांग्रेस का नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलाएगी। ये हम नहीं कह रहे, हमारा चैनल नहीं कह रहा, ये गांव की सरदारी है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनका कहना है कि मोदी फैक्टर है यहाँ पर। अभी अंकल जी हैं, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम ब्रजलाल शर्मा है। ये ब्रजलाल शर्मा जी हैं, युवा हैं, डायनेमिक पर्सनैलिटी के धनी, अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कौन सी पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी बनी? दोबारा ऐसा मोदी सरकार आएगी, जो मोदी जी ने काम किए वो सराहनीय किए हैं, किसान मजदूर गरीबों के लिए, व्यापार वर्ग के लिए, और मतलब जो सराहनीय काम किए हैं, इसलिए दोबारा मोदी सरकार आएगी और आने भी चाहिए, मोदी जैसा हिंदुस्तान में नेता नहीं है। इनका कहना है कि अगर देश सुरक्षित है तो सिर्फ मोदी के हाथों में, कांग्रेस सरकार झूठों और जुमलों की सरकार है। अभी और हैं, इनसे भी बात करते हैं, अभी चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी आएगी? बीजेपी। कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इनका कहना है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चलेगी अब की बार। अभी अंकल जी इनसे भी जानते हैं, अभी चुनाव होने वाला है, पता है आपको? हाँ सर बिल्कुल पता है। कौन सी पार्टी है जो जीत कर जाएगी? कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर, क्योंकि के हमारे देश की रक्षा मोदी ने की, कांग्रेस नहीं करती। अरे कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उसमें क्या क्या किया? मतलब ये है कि हमारे वे जवान की लाश नहीं आई कबू कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में। अभी जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पर, बढ़िया सराहनीय काम था, बहुत अच्छा काम किए। ये बोल रहे हैं कि जो एयर स्ट्राइक की मोदी जी ने, बड़ा सराहनीय काम था। और भी तमाम लोग आगे, इनसे भी पूछना चाहते हैं, अभी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी जीतेगी भरतपुर से? बीजेपी। और देश में किसकी पार्टी बनेगी? बीजेपी। कांग्रेस नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। अभी अंकल जी से भी और बात करते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी यहाँ से? बीजेपी। कांग्रेस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये इन सभी का मत है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चलने वाली अब की बार। अभी चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। कांग्रेस नहीं चलेगी, कोई सवाल ही ना। दिखाइए सभी लोगों का मत है कि ये बोल रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। कांग्रेस ने 25 सीट आएंगी साहब राजस्थान में, कितनी सीट आएंगी बीजेपी? राजस्थान में से 25 में से 25 सीट बीजेपी की आएंगी। इनका कहना है राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 25 बीजेपी की आने वाली है, कांग्रेस का खाता भी निकलेगा? मोदी लहर, मोदी लहर। इनका कहना है मोदी लहर है बिल्कुल, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। सभी जाति धर्म के लोग आ गए यहाँ पर, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, प्रजापत हैं, सभी वर्ग समुदाय के लोग हैं। इनका कहना है कि अब की बार फिर से हम मोदी के हाथों में अपनी सत्ता देना चाहते हैं। प्रेम टीवी के साथ वीरू फौजदार धौर।